सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो लास्ट वीडियोस में कुछ लोगों ने बोला कि आपकी एनर्जी कम है, तो ठीक है, आई एम बैक विद अगेन सेम एनर्जी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडीड के बारे में। सो इंडीड की जो जॉब ओपनिंग है वो 2021 या उसके प्रीवियस बैचेस के लिए है, क्योंकि इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर फील्ड में। ठीक है, 2022 बैच वाले अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा मेंशन नहीं है, बट आई थिंक 2021 बैच वाले ही एलिजिबल होंगे। बात करते हैं यहाँ पे कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन इंडीड ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अप्लाई जो है इंडीड के लिए करना है वो इंडीड के प्लेटफॉर्म पे ही एप्लीकेशन प्रोसीजर है। और इंडीड में सबसे मेन चीज़ जो मैं बोलूँगा कि प्राइमरी चीज़ जो आपको मिलती है दैट इज़ वर्क कल्चर। ठीक है, वर्क कल्चर इंडीड का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ऑब्वियसली कंपनसेशन आप देख ही रहोगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 21 LPA से लेके लगभग 32 LPA तक का आपको मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग, अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी, और काफ़ी और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। बट मेजरली अगर मैं बात करूँ तो मेजरली ये दो चीज़ें आपकी मैटर करेंगी। ओपनिंग यार हैदराबाद तेलंगाना की है, ठीक है, और सैलरी यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, और क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, तो बेसिक अगर मैं इसके इंटरव्यू की बात करूँ तो बेसिक मतलब आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए, और उसके बाद DSS सेम चीज़ होती है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है जैसे कि हमने बाकी कुछ कुछ एक देखा था जिसमें NVIDIA का, जैसे कि अभी हम लोग ओपनिंग देखी थी, NVIDIA में बहुत जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो NVIDIA से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको DSS से रिलेटेड ही पूछने वाला है। वो जो टेक स्टैक फॉलो करते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल चीज़ें ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है, तो बोला गया कि कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छे से होना चाहिए, जिसमें C++, सी है, तो एक ऊप्स आपको आती होगी C++ या जावा, तो यहाँ पे जावा मेंशन नहीं है, तो इन सब में देख लेना, आपको ये अच्छी से आनी चाहिए। इसका मेंशन करने का रीज़न ये है कि आपको जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें आपको इन्हीं में से एक लैंग्वेज ऑब्वियसली चूज़ करनी रहेगी। ठीक है, फॉर राइटिंग योर कोड। अब बात करते हैं कि बाकी वेब एप्लीकेशंस में नॉर्मल HTML, CSS, JavaScript ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और React अगर आप अपने आप ही काउंट इन कर सकते हो। उसके बाद DBMS में जो है DBMS हो गया, उसमें MySQL, Mongo, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होंगी, तो बेसिक चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा समझें यहाँ पे, तो ये कोर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। सेकेंड चीज़ आपका जो है DSA अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू प्रोसेस के देखे इंडीड के, तो मेनली इनके जो राउंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और बहुत घिसे पिटी चीज़ें नहीं होती हैं, अच्छे राउंड्स होते हैं, अच्छा वर्क कल्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस की। ठीक है, तो वो देख के जाना अगर आपको इंटरव्यू प्रोसेस जानना है, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती रहती हैं अबाउट द प्लेसमेंट जॉब एंड जो भी प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप जाके चैनल मेरा चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊप्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको यहाँ पे लाइव सेशंस भी कुछ कुछ होते हैं जो वेयर वी बेसिकली क्लैरिफाई सम डाउट्स। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और मेन चीज़ मैं बताऊँ तो आपको CS फंडामेंटल्स यहाँ पे बहुत अच्छे तो समझने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की इंडीड की। ठीक है, तो एक ये मैंने मीडियम पे एक आर्टिकल मिला था, ठीक है, इंडीड का, आई थिंक ये डिलीटेड आर्टिकल है या क्या सीन है, इसलिए ये ऐसा कलर कुछ भद्दा भद्दा आ रहा है। अब इसमें और मैंने कुछ और जगह भी देखा था और कुछ लोगों से पूछा था, तो इंटरव्यू प्रोसेस अगर इंडीड का बोले तो मीडियम से हार्ड लेवल का, मीडियम बोलेंगे, हार्ड भी नहीं बोलेंगे, मीडियम लेवल का बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो DSA होते हैं वो आपके ग्राफ वाले टाइप होते हैं, ग्राफ या ट्री, और ये बहुत क्वेश्चन नहीं होते हैं, लिंक लिस्ट या वैसे छोटे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, आपके जो मीडियम से हार्ड क्वेश्चन होते हैं अगर DSA की बात करें, और SQL या DBMS के वही नॉर्मल कोर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, AC प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और उससे कुछ रिलेटेड जो सिस्टम डिज़ाइन और थोड़ा सा उसका कोलैबोरेशन, तो वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम इनका देखते हैं, तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर था वो डायरेक्टली बंदे ने मैसेज करा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, फॉर नॉट फॉर दिस कंपनी, आप किसी भी कंपनी के लिए आप बेसिकली HR को मैसेज कर सकते हो विद योर बेसिकली टैगिंग योर रिज्यूमे कि देखो ये मेरा रिज्यूमे है और ये चीज़ें मैंने करी हैं एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस कंपनी, इज देयर सम ओपनिंग। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो। एंड फर्स्ट राउंड वॉज द DSA एंड एलिमिनेशन राउंड। ठीक है, और किसी प्लेटफॉर्म पे उनका हुआ था। बाकी मैं ओवरऑल यहाँ पे बताऊँ तो DP के क्वेश्चन आप फिक्स कर लो, DP तो आनी है, ग्राफ आनी है। ठीक है, तो दो चीज़ें ये हो गई, उसके बाद आपके SQL क्वेरी, SQL के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, DBMS के कॉन्सेप्ट में बोलूँगा ओवरऑल। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे बोला गया तो क्वेश्चन वॉज हार्ड लेवल ग्राफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो
हार्ड लेवल ग्राफ या मीडियम लेवल ग्राफ, तो वो ग्राफ अच्छा खासा आता है इसमें, ठीक है। और ये इनका हैकर रैंक कोड पेयर पे हुआ था। तो हैकर रैंक कोड पेयर अगर आपको नहीं पता है, तो हैकर रैंक कोड पेयर बेसिकली ऐसा होता है, नॉर्मली जो आप वीडियो कॉल करते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे से दो आइकन आएंगे जहाँ पे वीडियो कॉल चल रही होगी, विद दैट यू हैव टू राइट द कोड ऑन द आईडी, जो भी हैकर रैंक का आईडी होता है, नॉर्मली वही आईडी आपके बैक में चल रहा होता है, ठीक है। फिर सिंपली वही DSA और बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप याद जाके देख लेना ग्राफ में, अगर मैं बोलूँ ग्राफ हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DP, ग्राफ, मैट्रिक्स और ट्री के सिंपल क्वेश्चन, ट्री के अच्छे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इनका HR राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है, HR या अगर आपका मैनेजरियल राउंड होता है। तो अगर मैं ओवरऑल राउंड की बात बोलूँ तो एक ऑनलाइन राउंड आप मान सकते हो, उसके बाद दो से तीन तो टेक्निकल इंटरव्यू आपके होने ही होने हैं, और एक HR या मैनेजरियल राउंड इस टाइप से, लास्ट जो टेक्निकल होता है दैट कैन बी मैनेजरियल प्लस टेक्निकल एंड ऑल दिस, ठीक है। तो ओवरऑल 4 से 5 राउंड आपको देने पड़ सकते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन। CTC मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडीड का होता है वो वर्क कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं यहाँ पे, आई थिंक इनकी जो वर्किंग बेसिकली जो लीव होती हैं वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो यू कैन बेसिकली कनेक्ट विद समवन फ्रॉम द इंडीड, तो वो आपको बहुत अच्छा सा इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। देन हाँ, तो यही मेजर चीज़ें हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। 2021 है उसके बैच, प्रीवियस बैच तो कंसीडरेबल है ही, और अगर आप 2022 के बैच को यू कैन अप्लाई, बट इट्स फॉर 2021 बैच हो या उससे प्रीवियस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और न्यूटन स्कूल के बारे में अगर आपको नहीं पता है, सो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड FSD प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव, रजिस्ट्रेशन उसके लाइव है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और इस प्रोग्राम में क्या होता है, इट्स अ 6 month प्रोग्राम वेयर दे बेसिकली दे विल बी गाइडिंग यू, दे विल बी हेल्पिंग एंड मेंटरिंग यू फॉर योर प्लेसमेंट्स, ठीक है। एंड दे हैव वेरी गुड कोलेब्रेशन विद द स्टार्टअप, जहाँ पे आपको और इस जो 6 month की ट्रेनिंग होती है विद इन दिस, आपको बहुत अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। एंड दे हैव अ कोलेब्रेशन विद गुड स्टार्टअप, गुड MNCs, तो इट्स वेरी ईजियर फॉर यू टू गेट प्लेस, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे रेफरल मिलेंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सो यू कैन चेक अबाउट द न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट्स हो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा उनका, तो वहाँ से आप डिटेल या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में। और एप्पल भी हायर कर रहा है फॉर इंटर्न, ठीक है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उसका भी मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। एप्पल पे फॉर द QA इंटर्न हायर कर रहा है, आप बाकी मैं एक फर्दर वीडियो में उसके पूरी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, बाकी इसका भी एप्लीकेशन लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर लास्ट में लास्ट तक वो वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।